पार्ट 15 डॉक्टर विश्वेश्वरैया। आधी रात का समय था। तेज गति से ट्रेन अपने गंतव्य की ओर चली जा रही थी। एक व्यक्ति ट्रेन के डिब्बे में खिड़की से सिर टिकाए सो रहा था। अचानक उसकी नींद खुल गई। उसने झटके से उठकर सिर पर लटकी खतरे की जंजीर खींच दी। ट्रेन थोड़ी दूर चलकर रुक गई। ट्रेन को चलाने और उसकी सुरक्षा में लगे कर्मचारी उस डिब्बे में आ गए और उस व्यक्ति से पूछने लगे कि उसने जंजीर क्यों खींची। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि कुछ मीटर आगे ट्रेन की पटरी उखड़ी हुई है, अगर ट्रेन नहीं रोकता तो यह पलट जाती। लोगों को उसकी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। रेलवे का कर्मचारी टॉर्च लेकर पटरी का निरीक्षण करने लगा। तब सभी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि वाकई ट्रेन जहां रुकी थी उससे थोड़ी ही दूरी पर पटरी के नट बोल्ट बिखरे पड़े हैं और पटरी के जोड़ खुले हैं। यदि ट्रेन उस पर से गुजरती तो निश्चित ही भयंकर दुर्घटना हो जाती। लोगों के पूछने पर उस व्यक्ति ने बताया कि वह सोते समय ट्रेन और पटरी की आवाज सुन रहा था। अचानक आवाज में आए परिवर्तन से मैं समझ गया कि आगे पटरी टूटी है। ट्रेन दुर्घटना रोकने वाले इस व्यक्ति का नाम था इंजीनियर डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। ये भारत के ही नहीं बल्कि संसार के महान इंजीनियर थे। ये एक कुशल राजनेता और प्रशासक भी थे। डॉक्टर विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर राज्य के एक गांव में 15 सितंबर 1861 में हुआ। उनका परिवार मोक्ष गुंडम नामक स्थान से आया था, इसीलिए उनका नाम मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया पड़ा। उनके पिता श्रीनिवास शास्त्री संस्कृत के विद्वान और आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो गया। उनकी माता ने ही बड़े धैर्य और साहस के साथ उनका पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव के ही एक प्राइमरी स्कूल में हुई। बचपन से ही पढ़ने लिखने में उनकी बहुत रुचि थी। उन्हें पुस्तकों से प्रेम था। तत्पश्चात उन्होंने बैंगलोर यानी बंगलुरु के सेंट्रल कॉलेज से छात्रवृत्ति लेकर पढ़ाई की। धन के अभाव में वे विद्यार्थियों को पढ़ाकर अपना काम चलाते थे। पूना के इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की और बम्बई यानी मुंबई यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्हें बम्बई में सहायक इंजीनियर का पद मिल गया। कुछ ही वर्षों में वे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बन गए। उन्हीं की देखरेख में सिंधु नदी पर सुक्कुर बांध, जो अब पाकिस्तान में है, बनाया गया। यह देखकर बड़े बड़े इंजीनियर भी उनकी योग्यता का लोहा मानने लगे। 24 वर्ष तक बम्बई यानी मुंबई में सरकार की सेवा करने के बाद वे विदेश यात्रा पर चले गए। देश लौटने पर हैदराबाद के निजाम ने उन्हें अपने राज्य का प्रमुख इंजीनियर बना दिया। उन दिनों हैदराबाद में बाढ़ की बड़ी समस्या थी। डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने बाढ़ों को रोकने के लिए राज्य भर में जगह जगह बांध बनवाए। तभी मैसूर के महाराज की दृष्टि इस सुयोग्य इंजीनियर पर गई। उन्होंने डॉक्टर विश्वेश्वरैया को बुलाकर अपने राज्य के प्रमुख इंजीनियर और दीवान का पद सौंप दिया। उन्होंने सारे राज्य का दौरा करने के बाद कावेरी नदी पर बांध बनाने का निश्चय किया, जिससे राज्य में सिंचाई की समस्या हल हो सके। कृषि की उन्नति के लिए उन्होंने कावेरी पर कृष्णराज सागर बांध बनाया। इस बांध को देखकर महात्मा गांधी ने कहा था, केवल कृष्णराज सागर ही जो विश्व में अपने ढंग की एक चीज है, इसके निर्माता को अमर बनाने के लिए पर्याप्त है। डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने राज्य की उन्नति के लिए शिक्षा, उद्योग और कृषि पर अधिक से अधिक ध्यान दिया। उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी स्थापित की, जगह जगह कल कारखाने खोलकर उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया और भद्रावती में इस्पात का कारखाना खोला। डॉक्टर विश्वेश्वरैया बड़े सौंदर्य प्रेमी इंजीनियर थे। उन्होंने कृष्णराज सागर के किनारे एक बहुत सुंदर बाग लगवाया, वृंदावन गार्डन। प्रतिवर्ष देश विदेश के लाखों यात्री इस बाग और मैसूर की सैर करने आते हैं। जब देश स्वतंत्र हुआ विश्वेश्वरैया 85 वर्ष की आयु पार कर चुके थे, परंतु कार्य करने के उनके उत्साह और लगन में कमी न आई थी। देश के नवनिर्माण की योजनाओं में उनका बहुत योगदान रहा। वे एक सच्चे देशभक्त थे। भारत के निर्माण में उनके योगदान को देखते हुए सन 1955 में उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत में उनका जन्मदिन 15 सितंबर अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1961 में जब देश में उनकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई तो सरकार ने उनके नाम का डाक टिकट जारी किया। विदेशों से भी उन्हें बहुत अधिक सम्मान मिला और अनेक उपाधियां प्रदान की गई। 14 अप्रैल 1962 को इस महान इंजीनियर का स्वर्गवास हो गया। उनका कर्ममय जीवन सदा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा।